तो इसको हमने नाम दिया है डांसिंग तुराटिया। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं आया था खेत में और आज हम लेकर जाने वाले हैं जो हमने 2 या 3 दिन पहले इकट्ठा की थी, जो चोर की लकड़ियाँ जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं तुराटी, तो उसको इकट्ठा करके हमने रखा था। तो अभी उसको भर के ले जा रहे हैं हम बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी तो वहाँ पहुँच गई है, तो अभी सिर्फ मैं पहुँचना बाकी हूँ, तो अभी जल्दी से चलते हैं। तो गाइज़ वो देखिए वहाँ पर है सामने बैलगाड़ी, और वहाँ पर उसी के बाजू में हमने इकट्ठा करके रखे हुए है, तो अभी जल्दी से उसके अंदर भरते हैं। मैं अभी भी यहीं पर हूँ क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइज वहाँ पर गाड़ी लोड होकर निकल चुकी है और मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे उस गाड़ी के। मुझे तो नहीं लगा था कि इतने ज़्यादा हो जाएंगे ये लकड़ियाँ, भाई बहुत ही ज़्यादा हो गए, बैलगाड़ी से ऊपर आ रहे। तो अभी चलते हैं आगे। गाइज मैंने सोचा था कि इस क्लिप को सॉन्ग लगाए, लेकिन ये कैसे हो रहा है देखिए। तो देखिए गाइस वहाँ से आ रही है बैलगाड़ी, मैं तो आगे ही आ गया था। बैलगाड़ी थोड़ा सा स्लो चलती है इसलिए वो पीछे से आ रही है। अभी तो इतना बाकी है भाई, आ जाएंगे थोड़ी देर। तो गाइज ये सारी लकड़ियाँ हम रखने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने थोड़ी रखी है और थोड़े रखने वाले हैं। तुराटियों को इकट्ठा करके इतना बड़ा ढेर बना दिया है, और ये है हमारी डांसिंग तुराटिया। इन्हें क्या कैसे डांस करती है, तो इसको हमने नाम दिया है डांसिंग तुराटिया। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर सारे तुराटियों को अच्छे से ढक दिया है और थोड़े बहुत तुराटियाँ हमने ले लिए। ये तो हमें भाई 6-7 महीने चले जाएंगे, क्योंकि तुराटी को इस्तेमाल सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है, ना कि चूल्हा चलाने के लिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में चूल्हा जलता है तब मोटी मोटी लकड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ नहीं जल सकती, तो ये छोटे छोटे तुराटियाँ जल जाएंगे और ये लोग इसको जलाएंगे। तो अगर ये जल गए तो इनकी क्या ज़रूरत, ये बात ऐसी होगी। तो ये तो हमें 6-7 महीने आसानी से चले जाएंगे, तो इसलिए हमने इनके ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ढक कर रखी है ताकि ये बिखर ना जाए। और थोड़े बहुत हमने ले लिया, ये देखिए यहाँ पर थोड़े और वहाँ पर थोड़े, और इनको लेकर चलते हैं चूल्हे के पास और रख देते हैं। बाकी ये तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, ये देखिए घर के बराबर पीछे ही। और गाइस ये देखिए तुराटियों के खरोच मेरे हाथ पर कैसे आ गए, और भाई पैर पर भी आ गए। ये देखिए पैर भी मेरे पूरे ये हो चुके हैं, मुझे ठीक से पता नहीं आ रहा है, पैरों पर पूरी खरोची खरोच हो चुकी है, मैं बोल रहा हूँ ये हो चुके हैं। तो अभी जल्दी से चलते हैं घर में और फ्रेश होते हैं, हाथ पैर वगैरह सब कुछ धोते और फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। जैद रियान खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, देखते हैं जाकर। तो गाइज अभी हम जिस बैलगाड़ी के अंदर लाए हैं तुराटिया, तो वो हो चुकी है पंचर, तो अभी उसका टायर एक्सचेंज करेंगे या फिर टायर निकाल कर पंचर निकाल कर लेकर आएंगे। तो अभी निकाल रहे हैं उसका टायर, तो चलते हैं वहाँ पर। तो अभी गाइज मैं आया था खेत में दादाजी के साथ, क्योंकि खेत में चल रहा है पानी और हम पानी छोड़कर गए थे वहाँ पर, तो अभी बंद करने के लिए आए हैं पानी को। तो देखते हैं घर पर जाकर वापस की पंचर निकाल कर हुआ है या और कुछ दिक्कत आ गई। और वैसे गाइस पानी चल रहा है इस ज्वारी में, ये ज्वारी तो बड़ी नहीं हुई भाई, वहाँ वाली जो फैक्ट्री में जो ज्वारी है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, लेकिन ये तो बड़ी नहीं हुई, इसमें छोटी ज्वारी है और इस पर भुट्टे भी लग रहे हैं। देखिए वहाँ पर भुट्टे ज्वारी को, तो इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद से ये हमने बाद में से लगाई है इसलिए ऐसा है, वो हमने पहले लगाई थी।
तो अगर इसका सीजन ख़त्म हो गया होगा तो ये नहीं आई उतनी ज़्यादा अच्छा, वो वाली अच्छी आ गई थी। और बाकी जो सामने खेत है तो वहाँ पर थी तोर, जो कि ये हमने तुराटियाँ वगैरह इकट्ठा की, वो तो आपको सभी को पता ही है। और वो देखिए गाइस, इतनी सारी सभी तरफ ज्वारी ज्वारी है और वहाँ पर एक ही सनफ्लावर है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और सनसेट भी हो रहा है, देखिए सुबह 7 बजे सनराइज़ होता है और शाम में 6:30 बजे सनसेट होता है, यानी कि लगभग 11.5 घंटे सूरज रहता है और 2-3 घंटे तो बस शाम होती है और 1 घंटा सुबह सुबह होता है, और बाकी जो होता है वो तो सिर्फ चांद होता है रात में। मैं तो आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ जैसे आपको पता ही नहीं है, मुझे ही सब पता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं यार। लेकिन गाइस, कंटेंट आप समझते हो तो ये व्लॉगर्स का कंटेंट ही होता है, सनराइज़ सनसेट वगैरह सब कुछ, और यही तो व्लॉग होता है। बाकी हमने दिन भर देखा ही क्या होता है, या तो सूरज निकल गया और उधर जाकर डूब गया, फिर चाँद निकल गया और वो सुबह में गायब हो गया, यही देखा होता है यार। और बाकी कुछ लाइफ में जो जो होता है वो दिखा देते हैं। तो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं घर पर और ये देखिए यहाँ पर पूरा चक्का निकाल कर रख दिया है बैलगाड़ी का और इसके नीचे लगा दिए कुछ इतनी ईंटें, तो अभी ये फुल्ली सेफ है। तो इसका जो टायर था वो दे दिया है पंचर निकालने के लिए, तो जब तक पंचर निकाल के आता है तब तक बैलगाड़ी यहीं पर होगी। और यहाँ पर बैलों के लिए रखे हैं कुछ ज्वारी के पेड़, यानी कि इन बैलों का खाना। तो बैल है यहाँ पर चल रहे हैं पीछे और इसका अभी पंचर निकाल कर लाएंगे हम। तो गाइस, अभी अभी हमने यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क की है बराबर इस वाले घेरे के अंदर, जो कि हम गिल्ली डंडा खेलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए गाड़ी हमने ठीक से वहीं पर पार्क की है जहाँ पर हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, और सर्कल है इसके आर पार, यानी कि जैसे होती है शोरूम में तो वैसे हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है, लेकिन सिर्फ नीचे मिट्टी है और शोरूम में होती है फर्श, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो गाइज, अभी शाम हो चुकी है और डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो अभी फिलहाल मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। अगर आपको इसका व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।